हे गाइस व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड ये मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो होने वाला है, एंड बहुत बहुत वेलकम आप सभी को। तो आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा यही जानने के लिए कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसे आप आइडिया लेके या फिर जिसको आप अपना यूट्यूब चैनल का टॉपिक बना सकते हो, यूट्यूब चैनल बना सकते हो। तो आई विल टेल यू ऐसे 12 ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इसमें अगर आप चैनल स्टार्ट करो तो आपको ग्रो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेहनत तो लगेगा ही। लेकिन यही ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको ग्रो करने का मौका मिलेगा। एंड तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कॉमेडी, बेसिकली हंसना सबको पसंद है, और हंसाने वाला वीडियो या फिर कॉमेडी वीडियो ऑब्वियसली ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे आता ही है। मतलब कोई भी आप यूट्यूब ट्रेंडिंग वाला पेज खोल लो ना, कॉमेडी वीडियोस तो हमेशा रहेंगे टॉप पे। तो आप कॉमेडी वीडियो स्टार्ट कर सकते हो, लाइक प्रैंक शूट कर सकते हो, रोस्टिंग चैनल खोल सकते हो, एंड ग्रुप में वीडियोस बना सकते हो जैसे कि मैंने कहा। एंड आप दिमाग लगा सकते हो कि आप कैसे लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, हंसा सकते हो। सेकेंड है टेक्निकल चैनल। ओब्वियसली टेक रिलेटेड चैनल हमें जिसकी ज़रूरत होती है, एक्चुअली हमें ज़रूरत है टेक की। टेक मतलब सिर्फ कोई फ़ोन का नहीं हो गया, मतलब फ़ोन या फिर ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, आप चीज़ों को मतलब सिखा सकते हो, लाइक ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, कोई ऐप का हो गया, कोई वेबसाइट के बारे में बता सकते हो, अर्निंग वाला, ये सारे चीज़ें टेक में आते हैं। आप शेयर मार्केट का आइडिया दे सकते हो, मतलब लोगों को सिखा सकते हो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि पैसे रिलेटेड हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें टेक पे आते हैं। तो आप टेक्निकल चैनल भी खोल सकते हो। थर्ड है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग मतलब वीडियोस बनाना, लाइक आप ब्लॉग मतलब BLOG वाला ब्लॉग जो होता है वो लिखने वाला होता है, मतलब आप वेबसाइट क्रिएट करते हो उसमें ब्लॉग लिखते हो, एंड ये होता है ब्लॉग। थोड़ा सेम लग रहा है लेकिन ये होता है VLOG। इसमें आपको वीडियोस बनाने हैं, जैसे कि आप बहुत सारे ब्लॉगिंग चैनल देख सकते हो, उन लोगों के पास मतलब बहुत सारे व्यूज़ रहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हो या फिर कहीं घूमने जाते हो उसका वीडियो बनाते हो, ये सारी चीज़ें आती हैं ब्लॉगिंग में। तो थर्ड आइडिया ब्लॉगिंग है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। फोर्थ है गेमिंग चैनल। गेमिंग चैनल का क्रेज़ कितना है आजकल के यूथ क्या कहें, हम सबके दिमाग में सिर्फ गेम चलता रहता है, सबके तो नहीं मतलब सारे एज ग्रुप के लोगों में। ओब्वियसली गेम खेलना सबको पसंद है, एंड सब प्रिफर करते हैं गेमिंग वीडियोस को देख के एंजॉय करना। लाइक आप बहुत सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं देखना आप, उनका गेमिंग चैनल तो होता ही है आजकल। तो आप गेमिंग वीडियोस बना सकते हो अगर आपको गेम खेलना पसंद है, या फिर आप गेम सीखो, गेम खेलते वक्त कैसे आप लोगों को एंटरटेन कर सकते हो ये ध्यान दो, तो आपका गेमिंग चैनल भी बहुत अच्छा चलेगा। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब सिर्फ लोगों को पढ़ाना नहीं, आप न्यूज़ बता सकते हो, कोई एग्ज़ाम प्रिपरेशन करा सकते हो। वैसे भी आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो एक्चुअली लोगों को अच्छे ट्यूटर चाहिए। अगर ये बोलोगे कि बहुत सारे वैसे ही हैं यहाँ पे इस फील्ड में, तो मैं बता दूँ कि हमारे स्कूल में भी बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक टीचर पसंद आता है या फिर उसको हम फेवरेट टीचर बनाते हैं उनको। तो वैसे ही आप लोगों के फेवरेट बन सकते हो जब आप थोड़ा कॉमेडी करके थोड़ा एंजॉइंग वे में आप पढ़ाओ लोगों को, तो हो सके वो आपको पसंद करें और आपके चैनल पर वीडियोस देखना पसंद करें, आपके पढ़ाने का स्टाइल पसंद करें। तो वैसे भी आप बहुत सारे स्टूडेंट तक रीच कर सकते हो, एंड अपने एजुकेशन चैनल को भी बहुत आगे बढ़ा सकते हो। सिक्स्थ है कुकिंग। कुकिंग करना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद तो नहीं होता, लेकिन लॉकडाउन का टाइम ऐसे हो गया था कि मतलब ऐसे लोगों ने भी कुकिंग सीख ली जिन्होंने किचन को एंटर ना करा हुआ होगा। तो आप कुकिंग ट्यूटोरियल्स दे सकते हो, लोगों को खाना बनाना सिखा सकते हो। वैसे छोटी से छोटी चीज़ें हम बनाते हैं घर में, आप उसको भी ट्यूटोरियल्स दे सकते हो कि कैसे कुक करना है, क्या ऐड करना है वगैरह वगैरह। आप थोड़ा फनी वे में बनाओ, मैं ये ट्राई करती हूँ कि हर चीज़ थोड़ा फनी वे में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए कि लोग आपको सुनना पसंद करें। तो ऐसे आप कुकिंग चैनल बना सकते हो, एंड
आपने देखा होगा कुकिंग शुकिंग, ये चैनल का प्रमोशन तो मैं नहीं कर रही, लेकिन कुकिंग शुकिंग हो गया और भी ऐसे बहुत सारे किचन चैनल है, मतलब कुकिंग चैनल है, जैसे डिम्पल्स किचन वन ऑफ माई फेवरेट। वैसे मैं उतना वीडियोस देखती नहीं, लेकिन थोड़ा फन वे में बनाने से ना सब आपके वीडियोस को देखना पसंद करेंगे, तो कुकिंग चैनल भी एक अच्छा आइडिया हो सकता है। सेवेंथ में आता है म्यूजिक एंड डांस। म्यूजिक एंड डांस एंटरटेनिंग वीडियोस हो गया, मतलब डांस रिलेटेड, डांस वीडियो हो गया एंटरटेनमेंट रिलेटेड, सॉरी। तो ये चीज़ें आप बना सकते हो, क्योंकि ओब्वियसली हमें म्यूजिक का शौक रहता है, तो ऐसे बहुत सारे म्यूजिक चैनल हैं जिसमें आप वो डांस भी करते हैं, गाना गाते हैं। ऐसे बहुत सारे आप चैनल आइडियाज ले सकते हो, आप सिंगिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, लोगों को डांस करना सिखा सकते हो, गिटार बजाना सिखा सकते हो, तबला बजाना सिखा सकते हो। अब कोई भी चीज़ जो आपको आता हो ना, जो आपका पैशन हो, हॉबी हो, हॉबी से आप पैशन बनाओ उसको, आप ट्राई करो कौन कौन से चीज़ों में आप अच्छे हो एंड अच्छे बन सकते हो, एंड उसके वीडियोस बनाओ, लोगों को सिखाओ। अगर आप उसमें मास्टरी हासिल कर चुके हो, उतने लेवल तक का नहीं, मतलब अगर आपको आता है, आप किसी को सिखा सकते हो सही से, तो आप म्यूजिक रिलेटेड ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बजा के सिखा सकते हो। एट्थ है मेकअप फैशन ट्यूटोरियल्स। मतलब मेकअप ट्यूटोरियल्स आजकल तो बहुत फेमस हो रहा है, जैसे कि अगर आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप कुछ जॉब करते हैं, फिर भी आपके पास पार्ट टाइम के लिए कुछ है, लेडीज़ लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ मेनली, अगर लेडीज़ घर पे बैठे हैं बोर हो रहे हैं, तो आप मेकअप ट्यूटोरियल सिखा सकते हो कि कैसे मेकअप करना होता है, क्या लगाना होता है। मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपको मेकअप करना पसंद है, आप अच्छा मेकअप कर सकते हो, मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हो या फिर बनना चाहते हो, तो ऐसे ही यूट्यूब के ज़रिए आप अपना बिजनेस भी एक्सपांड कर सकते हो, तो ये आइडिया आपके लिए सही रहेगा। फिर है हेल्थ रिलेटेड चैनल। हेल्थ रिलेटेड आप कई वीडियोस बना सकते हो, लाइक जिम वगैरह से हो गया, आपके मतलब कुछ सेहत ख़राब होने तक क्या मेडिसिन लेना है, क्या होम रेमेडीज़ है, आप ये सब यूज़ कर सकते हो। हेल्थ में सारे टॉपिक आ जाते हैं, मेनली हमारे बॉडी रिलेटेड, कि आप अपना हेयर हेल्थ कैसे सही रख सकते हो, बॉडी कैसे बना सकते हो, वही जो मैंने कहा। तो आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में बता सकते हो लोगों को, कि कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए एंड क्या क्या करने से हमारे बॉडी में मतलब इम्प्रूवमेंट होगा, अब ये सब चीज़ें भी आप बता सकते हो। फिर है प्रोडक्ट रिव्यू। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें ख़रीदना होता है, लेकिन हमें डाउट रहता है कि हम उसको ख़रीदें या ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सर्च करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सही रहेगा, कंपेयर करते हैं। तो मैं यही बताना चाहती थी कि आप प्रोडक्ट को रिव्यू कर सकते हो, खुद प्रोडक्ट परचेज करना स्टार्टिंग में एंड उसको रिव्यू करके बताना कि वो क्या उसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स हैं, आप उसको बता सकते हो, या फिर आप दो प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट को कंपेयर करके बता सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। तो प्रोडक्ट रिव्यू भी आजकल बहुत चल रहा है एंड आपको बहुत सारे स्पॉन्सरशिप भी मिलेंगे, तो ये चैनल आइडिया आपके लिए सही रहेगा। फिर है हाउस होल्ड रिलेटेड। हाउस होल्ड से मतलब आप ये ध्यान दे सकते हो कि अगर कुछ गार्डनिंग वगैरह हो गया, ये सब हाउस होल्ड में आता है आई गेस, डेकोरेशन में आता ही है। आप गार्डनिंग करना भी बहुत लोगों को पसंद है, आप गार्डनिंग आइडियाज़ दे सकते हो, घर को डेकोर करना बता सकते हो कि कैसे डेकोरेशन करना है, कैसे रेनोवेट करना है, घर का रेनोवेशन कराना है, आप सीलिंग हो गया, ये सब हो गया, आप दूसरे डिफरेंट स्टाइल्स बता सकते हो कि कैसे करने से आपका घर सुंदर लगेगा। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाहती हूँ, समझ रहे हो। तो वैसे ही आप मतलब डेकोर करने का चीज़ हाउस होल्ड रिलेटेड, आप बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, आप कोई भी एक टॉपिक पकड़ो एंड उस पर चले जाओ, मतलब उसको लेके वीडियोस बनाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पेट चैनल। ओब्वियसली अभी पेट का क्रेज़ बहुत बढ़ रहा है एंड लोग पेट पालना पसंद कर रहे हैं, पेट और पालना एक ही होता है, हाँ, तो वही डॉग हो गए, कैट्स हो गए, अगर आपके पास डॉग्स हैं तो आप डॉग रिलेटेड वीडियोज़ बना सकते हो, उसके मेडिकेशन को या फिर उसको कैसे पालना है, उसको कैसे सिखाना है चीज़ें, आप उसको बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड मतलब उससे रिलेटेड आ जाएंगे। वैसे मेरा भी पेट चैनल है,
गुडियास डॉग वर्ल्ड, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पसंद आया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। वैसे भी मैंने पेट चैनल पहले स्टार्ट करा है, ये बाद में मैंने स्टार्ट किया है। तो ये थे कुछ टॉपिक्स 12 से लेके 12 तक। अब इनमें से कुछ चूज कर सकते हो एंड आगे बढ़ सकते हो गाइस। ऑब्वियसली यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड बहुत सारे लोग रोज़ जुड़ रहे हैं इससे। मतलब कुछ लोगों के पास तो ऐसे स्मार्टफोन भी नहीं होते थे, लेकिन अब वो स्मार्टफोन ले रहे हैं। यस, कुछ लोग थे ऐसे जो कि कीपैड में अब तक भी थे, लेकिन वो स्मार्टफोन पे आ रहे हैं। मतलब यूज़र्स डे बाय डे बढ़ रहे हैं एंड क्रिएटर्स को भी बढ़ना चाहिए। ऑब्वियसली क्रिएटर्स भी बढ़ रहे हैं, तो आपके चांसेस हैं अगर आप 2021 में चैनल ग्रो करना चाहते हो। मेनली आपको थोड़ी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी वीडियोस डालने में। एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए जब हम YouTube चैनल ओपन कर रहे हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट्स करना। अगर ऐसे और वीडियोस देखने हैं, मेरा बोलने का स्टाइल या फिर मेरा कुछ भी पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर मेरी बातें समझ में आ रही हो और ऐसे समझना चाहते हो, जल्दी जल्दी YouTube रिलेटेड या फिर कोई टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर याद से दबा देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।